एक बच्चे से कुछ विवाद हो गया था कहीं रास्ते में, तो पुलिस उसको 151 में चालान कर दी थी। बाद में ये हुआ कि नहीं, पुलिस ने मारा पीटा, ये सब कोई बात नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा। आप लोग किसने यहाँ पर आए थे? हम लोग सरकार से यहाँ मिलने आए थे, अपने घर के बारे में बात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज और आप विधायक मधुवन रामविलास चौहान का बयान सुन रहे थे। आप बयान सुन रहे थे कि कैसे ये बयान दे रहे थे एक सौरव गुप्ता, जो मधुवन नगर पंचायत के व्यवसायी हैं और उनके भाई भाजपा मंडल महामंत्री थे और वो भी कार्यकर्ता थे, उनके घर परिवार के लोग। और सौरव के 1 तारीख को बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया था, जिसमें जो है शासन प्रशासन के लोग को अभी तक कुछ नहीं कर पाए थे और मधुवन थानाध्यक्ष और 18 सिपाहियों के बीच में उनको बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया था। वो लड़का सदर हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका मेडिकल अभी तक नहीं हो पाया है। आपको बताते चले कि ये मधुबन विधायक का विवादित बयान है, गर्जमराना बयान है, जो तन मन धन से व्यापारी मिल करके उनको जो है जिताए वोट दे करके, और उनका ये गर्जमराना बयान बहुत बेकार लगता है। आखिरकार ऐसे विधायक कैसे बन जाते हैं लोग, इनको अभी पता नहीं है कि मधुबन की राजनीति में कैसे ये विधायक बन के आए हैं, इनको अभी पूरी जानकारी नहीं है। ये सोच रहे हैं कि पैसे के बल पर विधायक हो गए, इनको पता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ और मोदी अगर नहीं रहते और कार्यकर्ता नहीं रहते तो ये चुनाव जीत नहीं पाते। आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज और ये मधुबन के रामविलास चौहान जी हैं, ये विवादित बयानों को दे करके बताइए। ये जनता के जो लगभग 75,000 लोगों के विधायक हैं, इनको 75,000 वोट मिला हुआ है और ये जब से चुनाव जीते हैं तब से क्षेत्र में एक बार भी आए तो हैं लेकिन कुछ कार्य नहीं किए। इनके दावे बहुत लंबे लंबे थे और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि क्या बोल रहे हैं, कितना जो है ये अच्छा बोल रहे हैं क्षेत्रीय जनता के लिए। आखिरकार लगता है 5 साल में ये भी बेकारी रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ये पुलिस प्रशासन के तरफ है, जनता के तरफ नहीं है। आखिरकार इनको लगता है कि पुलिस प्रशासन इनको वोट दे करके जीतवा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के योगी जी और मोदी जी अच्छा काम नहीं करते तब तो ये ऐसे ऐसे विधायक नहीं जो होते। और ऐसे विधायकों का गर्जमराना बयान जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये क्या बताता है, आप स्वयं जान सकते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि विधायक जी कैसे बोल रहे हैं और ऊपर ऊपर मऊ आ जाते हैं और इधर इनको मधुबन विधानसभा आने में उनको कष्ट होता है। यहाँ की किसी भी सड़कों को नहीं बनवाया, कोई काम नहीं किए, लगभग 6-7 महीना हो गए और ये विधायक जी बस इस बार दिखाई भी दिए तो एक छोटा सा मैटर था, उस पर भी कुछ नहीं कर पाए। आपको बताते चले कि हमको लगता है कि मधुबन विधायक के भी थाने कोतवाली में कोई सुनता नहीं है और जो है और कोई सुनता भी नहीं है और कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज और सौरव गुप्ता की माता जी को आप बयान आपको आगे सुनवाएंगे, देखेंगे कि सौरव गुप्ता की माता जी कैसे तस्वीरों के माध्यम से विलख कर रो रही हैं और योगी आदित्यनाथ के सरकार से मांग कर रही हैं कि उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आखिरकार देखना है कब कार्रवाई होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज और हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ मधुबन तहसील के अंतर्गत मधुबन थाने में। जो अन्याय हुआ है सौरव गुप्ता के साथ उन्हीं के माता जी के, देखे कितनी रो रही हैं और क्या मामला है जानते हैं, क्या चाहती हैं। क्या नाम है? मेरा बस हम यही चाह रहे हैं हमारे बच्चों को न्याय मिले। बिना कसूर को इतना क्यों उसको मारा पीटा गया है, इतना मारा पीटा गया, जानवरों से बदतर उसका हालत हो गया है। वो आज बेड पर मरने के सिवा पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल में भर्ती है? सदर में मऊ हॉस्पिटल में है। अभी हम 3 बजे रात को आए वहीं से। क्या डॉक्टर क्या बताया है? डॉक्टर दवा जिला चल रहा है, बाटल चल रहा है उसका, अब यहाँ से देखे रेफर करके लखनऊ लेके जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो अंग नहीं काम कर रहे हैं? नहीं, वो बहुत परेशान है। बस हमको यही न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के सरकार में एक गोरखपुर का जो मामला हुआ था होटल में, वैसे ही जो है ये मधुबन थाने के जो पूरे जो भी सिपाही हैं, जो भी दरोगा हैं, जो भी एसओ हैं, इन लोगों का एक कैसा कृत्य है कि एक 20 साल के बच्चे को इतना मारे हैं बेल्टों से कि वो सदर हॉस्पिटल मऊ में भर्ती है। आप लाइव तस्वीरें सुपर फास्ट न्यूज के माध्यम से बात देख रहे हैं और आपको माता जी का दिखा रहे हैं, सौरव गुप्ता के माता जी का रो रो करके बुरा हाल है। अभी 3 बजे आई है सदर हॉस्पिटल मऊ से। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के सरकार में व्यापारियों के साथ भी कितना अन्याय हो रहा है। आप देख लीजिए कितना रो रही है। तो रेफर करने के लिए वो लखनऊ बोला है? अभी हमको पता नहीं, लेकिन लेके जाया जाएगा, उसका हालत बहुत गंभीर है।
बस हमको न्याय चाहिए, जैसे मेरे बच्चों को मारा पिटा गया वैसे हम सस्पेंड, इन लोग को हम चाह रहे कि सभी लोग सस्पेंड हो जाए, जितने लोग मिलके मारे लो 13-14 लोग मिलके हमारे बच्चे को दीवार में सटा सटा पटना में, उन लोगों का मुझे मालूम नहीं है नाम, उन लोग किसी का नाम नहीं है, पिंटू और एक एसआई तो लाइन जी 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 आपकी मांग है सब लोग मतलब सस्पेंड, हाँ सब लोग सस्पेंड हो, जिस तरह मेरे बच्चों को बेकसूर मारा गया है, मेरा बच्चा जानवरों की तरह मारा गया है मेरा बच्चा, आज उनको जाके उसका हालत आप लोग देखिए क्या हुआ है, कैसे हम बर्दाश्त करें, हमें हम बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, योगी जी से रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय चाहिए, और कुछ नहीं है, सभी लोग सस्पेंड हो जाए बस उसके लिए मैं, बाकी मैं बोलना नहीं चाहती, मुझे मैं बोल नहीं पा रही। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से इनके माता जी बोल नहीं पा रहे हैं, और बच्चे से उनको विवाद हो गया था कहीं रास्ते में, तो पुलिस उसको 151 में चालान कर दी थी, बाद में ये हुआ कि नहीं पुलिस ने मारा पीटा है, ऐसा कोई बात नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप लोग किस लिए यहाँ पर आए थे? हम लोग सरकार से मिलने आए थे अपने घर के बारे में।